मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद अब सभी की निगाहें हैं राजस्थान पर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी सभी को चौंकाती हुई नजर आई थी, वैसा ही कुछ राजस्थान में भी होने वाला है। राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम से आज पर्दा उठने वाला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब सभी यही जानना चाहते हैं कि क्या राजस्थान का हाल भी वैसा ही होगा जैसा इन दो राज्यों में हुआ। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे आज जयपुर पहुंचेंगे। दोपहर 1:30 बजे से बीजेपी के सभी नव निर्वाचित विधायकों का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इसके बाद शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सीएम के नाम पर मुहर लगने की उम्मीद है। इस बीच सोमवार को बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, अजय सिंह किलक और अंशुमन भाटी ने वसुंधरा राजे सिंधिया से उनके आवास पर मुलाकात की। इनके अलावा बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी भी राजे से मिले। जानकार कह रहे हैं कि दिया कुमारी को राजस्थान की कमान देकर मोदी सबको सरप्राइज कर सकते हैं ताकि सवर्ण वोटरों को भी साधने की रणनीति कामयाब रहे। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाने के पीछे माना जा रहा है कि संघ का दबदबा चला। राजस्थान में भी यही हुआ तो सुनील बंसल सीएम पद के एक प्रमुख दावेदार हो सकते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी ने नाम तय करके सभी को चौंका दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नए चेहरे के रूप में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। मध्य प्रदेश में सीएम के नाम पर सस्पेंस से सोमवार को पर्दा उठ गया। बीजेपी विधायकों ने सर्वसम्मति से उज्जैन दक्षिण के विधायक मोहन यादव को चुना। मोहन यादव ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और शिवराज सिंह चौहान ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मोहन यादव ओबीसी समाज से आते हैं और शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। अब नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे भोपाल में होगा। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में पूरा कार्यक्रम होगा। 13 दिसंबर को ही छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं, राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा। शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर दोनों को बधाई भी दी। मोदी सरकार में कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय नेतृत्व का जो आशीर्वाद मिला है, सभी की जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने में हम लोग पूरी कोशिश। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर में अगर युद्ध विराम नहीं हुआ होता तो आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके नहीं होता। शाह ने ये बातें सोमवार को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर बहस के दौरान कही हैं। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित कर दिए गए। ये दोनों विधेयक पिछले सप्ताह लोकसभा से पारित हो चुके हैं। सोमवार को बिल पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने जो गलतियां की थी वो पूरा देश जान चुका है। मुझे सीज फायर करना अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से हम नहीं निपट पाए, नहीं परख पाए। हालांकि ये सब भूतकाल की गलतियां हैं। ये जो कोर्ट है किसी और का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का है। बहस के दौरान अमित शाह ने साफ कहा कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, उसको कोई नहीं छीन सकता। अमित शाह ने अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध कर रहे विपक्ष को चेतावनी दी कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में उनकी सियासी संख्या और भी कम हो सकती है। जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे, ये फैसला गलत है। देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूँ वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। और देखिए, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से नकदी का बरामद होना लगातार जारी है। छापेमारी में अब तक 351 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। खबर यह भी है कि इस मामले में जल्द ही अब ईडी भी अपनी जांच शुरू कर सकती है। ओडिशा, झारखंड और कोलकाता में पिछले 6 दिनों से चल रही छापेमारी अभी भी जारी है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 351 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुके हैं। अब छोटे नोटों को गिना जा रहा है। पुराने और छोटे नोट होने की वजह से इनकी गिनती में काफी समय लग रहा है। सबसे ज्यादा 220 करोड़ रुपए कैश उड़ीसा के बालंगीर से बरामद किए गए हैं। मंगलवार को करीब 7 जगहों पर छापेमारी की गई। ये छापेमारी हवाला कारोबारी और फर्जी कंपनी चलाने वाले लोगों पर की गई। दरअसल एजेंसी ये जानना चाहती है कि आखिर इतना कैश किस लिए छिपा कर रखा गया था। एजेंसी को शक है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए चुनावों के लिए इन कैश का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन वहां कड़ी चौकसी और लगातार चल रही छापेमारी की वजह से कैश को बाहर निकालना मुश्किल हो गया। इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है।
झारखंड में किसी एमपी के यहाँ मैं किस दल के हैं कहना नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतनी सारी कैश मिली कि बैंक के कैशियर कहते हैं हमने भी इतनी कैश कभी देखी नहीं है। और एक गमंड या गठबंधन ने इसकी टीका भी नहीं की है, उसको सस्पेंड भी नहीं। बात कर लेते हैं केरल की, जहां के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर उन्हें शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। ये सब कुछ तब हुआ जब गवर्नर दिल्ली जाने के लिए तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जा रहे थे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के मुख्यमंत्री पी विजयन पर बड़ा आरोप लगाया है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्हें चोट पहुंचाने की साजिश की। केरल के गवर्नर ने दावा किया है कि सीएम के कहने और उनके निर्देश पर ही उन्हें शारीरिक तौर पर क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई। दिस चीफ मिनिस्टर इज हैचिंग द कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पायरिंग, ही इज सेंडिंग दीस पीपल टू हर्ट मी फिजिकली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने यह गंभीर आरोप ऐसे वक्त पर लगाया है जब उनके वाहन को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र शाखा स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कथित कार्यकर्ताओं ने उस समय टक्कर मार दी जब वह दिल्ली जाने के लिए तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जा रहे थे। घटना के बाद नाराज दिख रहे राज्यपाल अपनी कार से बाहर निकले और मीडिया से बातचीत की। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि यह मुख्यमंत्री विजयन है जिन्होंने उन्हें शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए लोगों को भेजने की साजिश रची है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त होती दिख रही है। बात कर लेते हैं झारखंड की, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने कथित जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। नोटिस में सोरेन को आज पेश होने के लिए कहा गया है। कथित जमीन घोटाला मामले में एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पूछताछ की तलवार लटक गई। ईडी ने घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को नया समन भेजा है। ईडी ने हेमंत सोरेन को क्षेत्रीय दफ्तर में आज हाजिर होने और पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। ईडी की ओर से सोरेन को जारी किया गया यह छठा नोटिस है। हेमंत सोरेन अब तक एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। सोरेन ने ईडी की कार्रवाई से बचाव का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाद झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की थी। सोरेन ने ईडी के समन को अनुचित बताया था। दोनों अदालतों ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम को ईडी दफ्तर जाने की नसीहत दी है। मुख्यमंत्री जी को सलाह दूंगा, आप तो बिना देर किए उनको जाना चाहिए, हाजिर होना चाहिए, बताना चाहिए। अगर ये कानून का खुद ही पालन नहीं करेंगे मुख्यमंत्री, तो फिर राज्य के महामहिम को अब कदम उठानी चाहिए। मुंगेर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। इस मौके पर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जोड़ने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। बिहार के मुंगेर में संकल्प यात्रा के दौरान भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। यह यात्रा धरहरा प्रखंड के हिमजापुर से निकाली गई। इस मौके पर एक हेल्थ कैंप भी लगाया गया। इसमें गरीबों को मुफ्त दवाइयाँ दी गई, साथ ही लोगों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई। इस मौके पर थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने लोगों की समस्याएं सुनी और अलग अलग योजना के लाभार्थियों को पेंशन और उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए। उन्होंने लोगों को देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। इसके अलावा हरियाणा के कैथल में संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने इस मौके पर मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। उज्ज्वला योजना के दो पात्रों को भी मौके पर गैस कनेक्शन और मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। 4 फीट गहरी सुरंग यहां पर मिली है। एयरबेस की दीवार के पास ये 4 फीट गहरी सुरंग मिली है। जांच पड़ताल अब की जा रही है, आखिर इस सुरंग को किसने और क्यों बनाया है। एयरबेस की सुरक्षा में यह चूक का मामला सामने आया है। दीवार के आसपास 3 से 4 फीट गहरी ये सुरंग मिली है। एयरबेस की दीवार, उसके पास ही ये 4 फीट गहरी सुरंग मिली। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस के बाउंड्री वॉल के नीचे 4 फीट गहरी सुरंग मिलने से सनसनी मच गई है। दरअसल एयरबेस के साथ बनी इरशाद कॉलोनी में रहने वाले लोग असामाजिक तत्वों के इलाके में आने जाने को लेकर बैठक कर रहे थे, तभी उनकी नजर सुरंग जैसे गड्ढे पर गई।
लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। यहाँ पे गड्ढा हुआ है जो कि एयरबेस की दीवार के 4 फुट नीचे तक है। अब ये जांच करने से हमने तुरंत चौकी में, हमारी चौकी प्रभारी सिकंदरपुर जो है, उनको लिखित में सूचना दी। अंदर दीवार खोद रखी है। इस घटना को एयरबेस की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश माना जा रहा है। हिंडन एयरबेस से घरेलू उड़ानें भी संचालित की जाती है, साथ ही रक्षा संबंधी साजो सामान भी यहाँ रखा जाता है। कड़ी सुरक्षा और चौकसी के बाद भी बाउंड्री वॉल के नीचे सुरंग का मिलना सुरक्षा में गंभीर चूक माना जा सकता है। फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। एयरफोर्स के सुरक्षा अधिकारी की तहरीर के आधार पर FIR थाना टीला मोड़ पर पंजीकृत कर ली है और मौके पर FIR के क्रम में जांच की जा रही है।